भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ससुराल वालों यहां आकर खुशी हो रही है। उन्होंने लोगों से पूछा कि 2 साल में क्या बदला, समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि आज पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं, सरकार उन पर जुल्म कर रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान आंदोलन लगातार जारी है, आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब बुलडोजर चलता है तो गरीब के परिवार पर चलता है। सवाल यह है कि किसानों को रौंदने वाले के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? पेपर लीक के घोटालेबाजों के घर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक तरक्की नहीं होगी। आपको बता दें कि मुरादाबाद से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हुआ और यहां पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन करती नजर आई। यात्रा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने भी दोनों का स्वागत किया। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही चुना है। शनिवार के सुबह ही कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, भीड़ जुटने लगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसमें भाग लेने के लिए नई दिल्ली से सुबह ही रवाना हो गए। 2 दिन के अंतराल के बाद यात्रा मुरादाबाद से शुरू हुई है और सबसे अहम बात, इसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई है। इसके बाद अमरोहा और संभल ये यात्रा पहुंचेगी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मुरादाबाद से होने वाली यात्रा में प्रियंका गांधी मुख्य रूप से भाग ले रही। ये यात्रा 42 दिन पूरे कर चुकी है। 25 तारीख की यात्रा संभल में होगी, इसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। 26 फरवरी से 1 मार्च तक यात्रा बंद रहेगी। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जयराम रमेश ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी गठबंधन को लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द करेंगे। प्रियंका गांधी करीब 2 साल बाद अपने ससुराल मुरादाबाद पहुंची थी, इसलिए उन्होंने संबोधन भी कुछ वैसा ही किया कि ससुराल वालों कैसे हो। इससे पहले उन्होंने 10 फरवरी 2022 को मुरादाबाद विधानसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया था। रोड शो शहर के ईदगाह चौराहे से लेकर बारादरी चौराहे तक किया गया था। इससे पहले 2 दिसंबर 2021 को मुरादाबाद प्रियंका गई थी, तब उन्हें बुद्धि विहार सर्किट हाउस के पीछे जनसभा को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। प्रियंका गांधी की शादी 1997 में मुरादाबाद के ही रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी। प्रियंका गांधी अपना पूरा नाम प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरे यात्रा मार्ग को 3 जोन 8 सेक्टर्स में बांटा गया था, जिसमें 3 ASP, 8 CO और 12 SHO की ड्यूटी थी। थानों की फोर्स के साथ ही 400 पुलिसकर्मी और PSC जवानों की 2 कंपनी लगाई गई थी। इस दौरान CCTV कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की गई थी। जामा मस्जिद चौराहे से संभल चौराहा डबल फाटक तक ऊंची इमारतों पर पुलिस के कर्मी तैनात थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उनकी सुरक्षा में 6 सरकारी वाहन लगे थे। राहुल गांधी के साथ CRPF के जवान भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए CRPF के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी के 6 जवान भी मौजूद रहे। DM ने न्याय यात्रा की सुरक्षा के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे। पुलिस अधिकारियों के अलावा न्याय यात्रा के आसपास मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे। जामा मस्जिद से लेकर कोहिनूर तिराहे तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने रोड के किनारे बड़े बड़े बैनर लगाए थे। इसमें अधिकतर बैनर हाजी रिजवान कुरैशी के थे। पूरा मार्ग पोस्टरों से पटा पड़ा था। रामपुर दोराहा स्थित एक बैंकेट हॉल में राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए CRPF के अधिकारी और जवान कैंप कर रहे थे। यहां किसी को अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के आने के बाद वाहनों से सुरक्षा के जवान कवर करके निकल गए थे और इस यात्रा में प्रियंका गांधी उनके साथ थी, इसलिए भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम थे। बहरहाल ससुराल वालों कैसे हो इस संबोधन के साथ अपने भाई के साथ वो खुली जीप में दिखाई पड़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले कई दिनों से चल रही है, 40-41 दिन की यात्रा हो चुकी है ये। अब इस बीच कभी भी प्रियंका गांधी उनके साथ नजर नहीं आई, इसलिए भी ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। अक्सर इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा पहली हो रही थी तो उसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब राहुल के साथ नजर आई थी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए भी सवाल उठ रहे थे। हालांकि मुरादाबाद से हमेशा से प्रियंका गांधी का पुराना कनेक्शन रहा है, इसलिए वो हमेशा से यहाँ पर आती रही हैं। चाहे यहाँ के प्रत्याशी हों, चाहे जनसभा करनी हो, उन सब से वो संपर्क में होती हैं। जब बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी तो वो अपने भाई के साथ खुली जीप में दिखाई पड़ी और सरकार पर हमलावर भी यहीं से नजर आई। पेपर लीक का मुद्दा भी उन्होंने जमकर उठाया, केंद्र सरकार को घेरा और युवाओं के साथ देने की बात कही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।